देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित हैं और इनमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिला का नाम शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 4 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा में धीरे धीरे नक्सली कमजोर हुए हैं या नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है ताकि यहां फिर से नक्सली अपने संगठन का विस्तार या संगठन को मजबूती नहीं कर सके। जबकि झारखंड के सरायकेला, खरसावा, चतरा, खूंटी, रांची, बोकारो और गढ़वा जिले को लीगेसी और ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी कि ये वैसे जिले हैं जो अब भाकपा माओवादी के नक्सलियों के प्रभाव में नहीं हैं, लेकिन ऐसे जिले में दोबारा नक्सल पनप नहीं सके और इसके लिए इन जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय अर्धसैनिकों के प्रतिनियुक्त पर राज्य सरकार को सहायता करने पर निर्णय लिया गया है। 2 साल पहले अगर देखेंगे तो झारखंड में 16 जिले नक्सल प्रभावित थे और इनमें बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रांची भी और सरायकेला, खरसावा के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम का नाम शामिल था। नक्सल प्रभावित होने के कारण इन जिलों को एसआई और स्क्रीन के तहत रखा गया था। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता हमारे दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक का एक बार रुक कर लेते हैं। दीपक, देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है हमारा झारखंड, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों के गढ़ से हमें छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुआ, कहीं ना कहीं एक ये बड़ी सफलता है हमारे प्रशासन की भी। और अब देखिए, कहां पिछले 2 साल में 16 ऐसे जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, अब महज 5 रह गए हैं। दीपक, जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में अगर बात करें तो अब से 2 साल पहले राज्य के 16 जिला जो है नक्सल प्रभावित थे, लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से राज्य सरकार को जो रिपोर्ट दी भेजी गई है उसकी बात करें तो 5 जिला ही अब जो है शेष नक्सल प्रभावित जिला के रूप में है, जिसमें अगर ख़ासतौर पर बात करें तो गिरिडीह, लातेहार, गुमला, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम, ये 5 जिला है जो अब घट करके नक्सल प्रभावित जिला जो है वो बचा है। और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि लोकसभा के चुनाव में भी जो चुनाव हुआ उसमें भी नक्सल गतिविधियां जो है वो कम देखने को मिली, मतलब ना के बराबर देखने को मिली, कहीं पर भी कोई ऐसी नक्सली हिंसा जो है वो सामने नहीं आया। जबकि आज से अगर पीछे 5-7 साल पहले आप देखें तो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उस दरमियान नक्सली अपना जो वर्चस्व है वो जरूर दिखाने का कोशिश करते थे और नक्सली हिंसा घटना जो है वो होती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। इसका मुख्य कारण है कि जो आज से पहले 2 साल पहले जो 16 जिला नक्सल प्रभावित थे जो घट करके अब 5 जिला ही शेष रह गया है, तो इसका 2 मुख्य कारण है। पहला, केंद्र सरकार की जो कार्रवाई, जो कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों को जो नक्सल से नक्सली कार्रवाई में जो उतारा गया और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला, उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दिया। वही दूसरा अगर कारण देखें तो राज्य सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, उस सरेंडर पॉलिसी के तहत कई जो बड़े नक्सली थे, जैसे कुंदन पहान की बात करें, इसके अलावा कई ऐसे नक्सली जो हार्डकोर नक्सली माने जाते थे वो मुख्य धारा में वापस लौटे हैं, सरेंडर पॉलिसी के तहत वो सरेंडर किए हैं। तो ये एक मुख्य 2 वजह है जिसकी वजह से जो है नक्सली गतिविधियां कम हुई है और 16 में से महज जो है 5 जिला ही अभी के समय में जो है वो नक्सल प्रभावित के रूप में देखा जा रहा है। आप अगर आज से पहले, अगर 10 साल पहले की अगर बात करें तो झारखंड प्रदेश में नक्सलियों की जो वर्चस्व है बहुत अधिक कायम हुआ करती थी। सरांडा जंगल की अगर आप जब भी उस जिक्र होता था तो नक्सल के गतिविधियों के नाम से वो प्रसिद्ध माना जाता था, नक्सली गतिविधियों के तौर पे वो सरांडा जंगल को जाना जाता था। बूढ़ा पहाड़ जो है वहाँ पर नक्सलियों की गतिविधियाँ काफ़ी अधिक होती थी, एक्टिविटीज़ खासतौर पर नक्सलियों की देखी जाती थी। आप अगर 10 साल पहले की बात करें तो तमाड़ इलाका में जब किसी
विधायक मंत्री को अगर हजारी जमशेदपुर जाना होता था तो एस्कोर्ट करके हुए उनको पहुंचाना पड़ता था। तो उस तमाड़ में जो है वो अभी के समय में नक्सली गतिविधियां बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि उस इलाका में कुंदन पहान जो कि हार्डकोर नक्सली हुआ करते थे, जिनकी वर्चस्व उस इलाके में होती थी, वो अब सरेंडर पॉलिसी के तहत वो सरेंडर कर चुके हैं और जेल में बंद है। तो यही एक दो तीन वजह है जिसकी। बिल्कुल दीपक, देखिए सराहनीय है प्रशासन की ये कदम। एक तरफ आत्मसमर्पण नीति के तहत प्रभावित होकर समर्पण कर रहे हैं कई नक्सली, और वहीं दूसरी तरफ देखिए बुरा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात कर ले, ये कई ऐसे ऑपरेशन जिसको प्रशासन ने चलाया और सफलता भी मिली और नक्सलवाद को गढ़ से खत्म करने की कोशिश भी इनकी तरफ से की गई। दीपक जी बिल्कुल, जो नक्सली ऑपरेशन जो चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा भी, जो कोबरा बटालियन को उतारा गया, सीआरपीएफ के जवानों को उतारा गया, खासतौर पे वैसे इलाके जहां पर नक्सलियों की गतिविधियां काफ़ी अधिक हुआ करती थी, जब वहां पे खासतौर पे वैसे जगह पे जहां पे नक्सली जो है वो बड़ी घटना को अंजाम देते थे, तो वैसे इलाकों में कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवानों को उतार कर नक्सली ऑपरेशन जो चलाया गया, उसकी वजह से नक्सली जो है वो उस इलाके से कहीं ना कहीं दूसरी ओर जो है भागते चले गए। और राज्य सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उसके तहत भी जो बड़े बड़े नक्सली है वो मुख्य धारा में लौट आए। अगर तमाड़ की बात करें तो जिस तरीके से कुंदन पहान का वर्चस्व हुआ करता था, वहीं अगर खुट्टी इलाका की बात करें तो पीएलएफआई जो कि सबसे बड़ा जो नक्सली संगठन के तौर पे उभर कर था, और जो खुट्टी में अगर बात करें तो वो दिनेश गोप जो एक बड़ा नाम हुआ करता था, और उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जो पीएलएफआई संगठन जो काम करती थी वो बड़ी जो उस इलाका में कह सकते हैं कि उत्पाद मचा कर रखती थी। लेकिन जिस तरीके से एनआईए ने उसको गिरफ्तार किया, उसके संगठन में बड़े भूमिका में कह सकते हैं रहने वाले थे जेठा कच्छप, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नक्सली संगठन के जो हार्डकोर नक्सली थे, जो एरिया कमांडर उससे ऊपर लेवल के जो भी नक्सली संगठन से जुड़े लोग थे, तो उनकी जब गिरफ्तारी हुई, कुछ लोग सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर किए, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला कि आज की तिथि में किसी भी इलाके में आप बेधड़क जो है वो सफर करेंगे तो कहीं पर भी नक्सली गतिविधियां या नक्सली घटना। बिल्कुल दीपक, उसी का जीता जागता उदाहरण हमने देखा है लोकसभा चुनाव में, जहां कई ऐसे जिले थे जो नक्सल प्रभावित थे, वहां पर भी जहां पहले हमने हुए करते थे, लेकिन इस बार देखिए शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, और ये कहीं ना कहीं एक संदेश देता है कि जो तरीके से पहले आप बात कर रहे थे 2 साल पहले 16 जिले प्रभावित थे नक्सल से, अब वो आंकड़ा भी कम हो रहा है और लोगों को इनकी दहशत से छुट्टी भी मिल रही है। चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खबर पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।